आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम चटाकेदार, मसालेदार, बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी दही बल्ला रेसिपी। दही बल्ले को हम दही बड़ा भी बोलते हैं, कई जगह इसे दही बड़ा भी बोला जाता है, दही बल्ले भी बोलते हैं। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। जैसे ठेले वाले के पास हम कभी खाने जाते हैं तो जैसे वहाँ मिलते हैं, ऐसे ही हम इसे घर पर भी तैयार कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल लिखा हुआ है जहां वहां भी आप क्लिक कर लीजिए। दही बड़ा बनाने के लिए यहां मैंने एक कप उड़द दाल ली है। उड़द दाल को अच्छे से मैंने पानी से धोकर और 4 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया है। ये करीब करीब देखिए डबल हो गई है। अब हम इसका स्मूथ साइज घोल तैयार कर लेंगे। उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हम ठंडा पानी इसमें यूज़ करेंगे, 1 से 2 चम्मच। देखिए घोल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, बिल्कुल चिकना लग रहा है ना ये, और इसका कलर देखिए बिल्कुल वाइट है क्योंकि हमने इसमें हल्का सा ठंडा पानी यूज़ किया है। अब मैंने आधी छोटी चम्मच यहाँ जीरा लिया है, करीब करीब 1 छोटी चम्मच मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे और जिस तरफ हम फेंटना स्टार्ट करेंगे उसी तरफ हम फेंटते रहेंगे। अगर दूसरी तरफ हम फेंटने लगे तो ये जितनी भी इसमें हवा बनी है वो सारी निकल जाएगी। तो हमें एक तरफ ही इसको लगातार 8 से 10 मिनट तक फेंट लेना है, जिससे ये बहुत ही फ्लफी होता जाएगा और बहुत ही आपको हल्का सा महसूस होगा। चलिए इसे अच्छे से हम फेंट लेते हैं करीब करीब 8 से 10 मिनट के लिए। और ये है, हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा बैटर तैयार हो गया है, तो उसके लिए हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा बैटर डालकर देख लेंगे। बैटर अगर ऊपर तैर रहा है तो इसका मतलब ये बनकर तैयार है। अब हम 1 कटोरी में पानी लेंगे और अपनी उंगलियों को अच्छे से डुबो लेंगे जिससे बैटर हमारा हाथों पर चिपकेगा नहीं, और इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते टाइम हमें गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन्हें लगातार फ्राई करना है। हाई फ्लेम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए हमें तेल को मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करना है। देखिए आपको डालने से ही पता चल रहा होगा कि बैटर हमारा कितना हल्का है, ये बहुत ही हल्का हो जाता है अगर हम इसे लगातार 8 से 10 मिनट तक फेंट लेंगे तो। कुछ लोग इसे भर कर भी खाते हैं, यानी कि फिल करके खाते हैं, जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। एक किशमिश इसमें डाल लेती हूँ, इसको ऐसे बंद करके, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ऐसे आप भर कर भी इसे बना सकते हैं। चलिए इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करीब करीब एक बार हम जब बड़े बना रहे हैं तो 3 से 4 मिनट इनको फ्राई होने में लगेगी और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए, और गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। चलिए निकाल लेते हैं, इनका कलर देखिए बहुत ही प्यारा आया है, और भी निकाल लेते हैं। और जितने हमारे वड़े बच गए हैं वो भी हम तैयार कर लेंगे। वड़े बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं और देखिए बहुत ही स्पंजी, एकदम सॉफ्ट ये बने हैं। देखिए एक बार मैं तोड़ कर इन्हें दिखा रही हूँ आपको। देखिए इसमें बहुत ही अच्छी जाली बनी है, इसका मतलब ये अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। आप इन्हें स्टोर कर कर भी खा सकते हैं। आप इन्हें किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए करीब करीब आप 10 दिन के लिए और इसे खा सकते हैं। आपका जब भी मन हो इनमें से निकालिए और पानी में आप भिगो कर और फिर निकाल कर आप इन्हें बनाकर खा सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में आप 10 दिन के लिए इसे रख सकते हैं। चलिए अब हम इन वड़ों को पानी में भिगो लेते हैं। इसके लिए हम 4 कप पानी लेंगे और यह पानी बिल्कुल हमें गर्म लेना है, ठंडा पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ गर्म पानी हम इसको करीब करीब 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे
और यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच नमक लिया है और एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने हींग ली है। हींग का इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, जब पानी में डूबे रहेंगे तो इनमें हींग का फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए ढककर इसे हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तब तक हम इसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1.5 चम्मच यहाँ जीरा लिया है, आधी छोटी चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन का वड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब हम इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच सादा नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच मैंने काला नमक लिया है, आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच मैंने हींग ली है। चलिए इन्हें भी अच्छे से भून के और फिर हम इन्हें निकाल के इसका पाउडर बना लेंगे। देखिए मैंने इसको चकले पे निकाल लिया है और बेलन से मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। आप इसे मिक्सी में पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं। देखिए 1 घंटा हो गया है और वड़े बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो इनमें एक्स्ट्रा पानी है वो हम हथेली से दबाकर निकाल लेंगे। पूरा पानी हमें बिल्कुल नहीं निकालना है, बस जो एक्स्ट्रा पानी है वो हम दबाकर निकालेंगे, जिससे इस पानी में डुबोने का प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे जो इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी निकल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाएगा। तो सारे हम निकाल लेते हैं और देखिए आप देख पा रहे होंगे एक्स्ट्रा जो तेल है वो सारा निकल गया है। अब मैंने यहाँ करीब करीब 1/2 लीटर दही ली है, उसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और 1 से 2 चम्मच मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, क्योंकि इसमें हल्का सा मीठा दही यूज़ होगा। और यहाँ मैंने इमली की चटनी ली है। इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, तो वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं कि इमली की चटनी कैसे बनाते हैं। और हरी चटनी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, वो भी आप देख सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ चेक कर लीजिए। यहाँ मैंने थोड़ी सेव ली है, सेव बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद हो तो ले सकते हैं, नहीं तो इसके बगैर भी बना सकते हैं। और यहाँ मैंने कुछ अनार के दाने लिए हैं और जो मसाला हमने तैयार किया है वो लिया है। चलिए अब हम इसे असेंबल कर लेंगे। यहाँ मैंने एक प्लेट ली है और इसमें हम वड़े डाल लेते हैं। दही बल्ले बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। अब जो हमने दही फेंट के तैयार की है वो डाल लेते हैं। आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए दही में भिगो के भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने गर्म पानी का यूज़ किया था तो ये पहले ही बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो दही में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे ही दही डाल लेते हैं और जो चटनी हमने तैयार की है वो डाल लेंगे। इमली की खट्टी मीठी और तीखी बहुत ही टेस्टी ये चटनी है। और ये हरी चटनी डाल लेते हैं, थोड़ा सा हम मसाला डाल लेंगे जो हमने तैयार किया है। और मसाले को आप एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी बहुत दिनों के लिए खा सकते हैं। जब भी कोई चाट बनाए आप इस मसाले का यूज कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी हम लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, थोड़ी सी हम सेव डाल लेंगे और फ्रेशनेस के लिए हम थोड़ा सा अनार के दाने डाल लेंगे, जो दिखने में भी बहुत ही सुंदर हो जाएगी हमारे दही बल्ले और खाने में तो लाजवाब हो जाएंगे। देखिए दही बल्ले बना लिए हैं मैंने, ऐसे ही हम एक और बना लेते हैं। जैसे मार्केट में कभी गए होंगे आप दही बल्ले खाने के लिए, तो ऐसे ही मिलते हैं हमें वहाँ। तो चलिए हम ऐसे भी तैयार कर लेंगे। मैंने इसमें मिर्ची का कम यूज़ किया है क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। अगर आपको लगे कि आपको ज़्यादा चटपटा या तीखा खाना है
तो आप जब हम बैटर तैयार कर रहे हैं यानी कि अपनी दाल को जब हम मिक्सी में पीस रहे हैं तो उस टाइम आप 1 से 2 हरी मिर्च डालकर पीस सकते हैं। मैंने यहाँ हरी चटनी बनाई तो उसमें डाल ली थी। दही बल्ले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। देखिए आप ऐसे बना सकते हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम चटाकेदार। इसे कोई भी खा सकता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये। बच्चे बूढ़े जो भी इसको खाना चाहिए वो खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं कट करके एक बार दिखाती हूँ। देखिए देखने से पता चल रहा होगा कि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।